भजन संहिता 19 अध्याय का आखिरी दो वचन, तू अपने दास को डिढ़ाई के पापों से भी बचाए रख, वह तुझ पर प्रभुता करना ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। ये यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। व्यक्तिगत पापों से बचे रहना है और सामाजिक अपराधों से बचे रहना है। एक ऐसे पवित्र जीवन, दुनिया से अटके एक व्यक्तिगत पवित्र जीवन बिताने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर अपने कलीसिया को ऊंचे ऊंचे पत्रों के द्वारा वो बनाते हैं जो निर्दोष है, जो पवित्र रहता है, जो दूसरों के लिए काम करते, जो परमेश्वर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, विश्वास योग्य दास के रूप में रहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो पवित्रता में रहेंगे, ऐसे लोगों के रख के परमेश्वर अपने कलीसिया को बनाते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, तू परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। परमेश्वर ऐसे ऊंचे पत्रों के द्वारा अपने कलीसिया को बनाना चाहते हैं। एक वक्त में, एक जमाने में हमारा पास कोई जीवन नहीं था, हम अधर्म के रूप में रहते थे, पापी के रूप में रहते थे और हमारे पास इतना कुक्रम काम भरा हुआ था। वो सबको अपने पवित्र पुत्र यीशु के लहू से धोके एक बहुमूल्य पत्र के रूप में परमेश्वर बना के अपने कलीसिया को इसके द्वारा वो निर्माण करना चाहते हैं। एक जमाने में धार्मिकता के लिए मरे हुए थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने जिलाया ऐसे ऊंचे पत्रों के द्वारा बना के इस प्रकार की कलीसिया के रूप में परमेश्वर आपको मुझको एक साथ मिला के बनाते हैं। बहुमूल्य पत्र का मतलब है जो उधार पाए, जो अपने आप को पापों से धोए हुए, उन सब को रख के परमेश्वर ऐसे कलीसिया को बना रहे हैं, उसी को बहुमूल्य पत्र के रूप में कहते हैं। दुनिया में इतनी प्रकार की प्रभु ने सेवकों को, सेवक को क्यों रखा है, इस प्रकार की बहुमूल्य पत्रों को चुन चुन के अपने भवन को, कलीसिया को बनाने के लिए ही परमेश्वर आपको और मुझको चुन के इस प्रकार की काम में लगा ताकि उनका भवन बन जाए। जब परमेश्वर अपने कलीसिया को बना रहे हैं, उसमें बड़े या छोटे पत्थर के रूप में भी वहां रख के बना सकते हैं, यानी ऊंचे स्थान में कभी नीचे कभी ऊपर रख के परमेश्वर बना सकते हैं। बिल्कुल अपने आप को परमेश्वर के कार्य करने के लिए अर्पण करके, उनकी भवन बनने के लिए बिल्कुल अर्पण करके यदि आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पर भी, जहां हमें स्वर्ग जाना, वहां भी सुरक्षित ले जाएंगे। इसके मतलब ऐसे बहुमूल्य पत्र बनेंगे सोना और चांदी के रूप में जो स्वर्ग में प्रभु रखा है, वैसे पत्रों के रूप में प्रभु हमें बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।